स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 2 वर्कशीट डाउट्स रचना सागर एक्सरसाइज 2.2 इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस ओके पॉलीनोमियल दिया है 2x स्क्वायर 5x प्लस के सबसे पहले इसका ए बी और सी लिखते हैं ए है 2 वैल्यू ऑफ बी इज 5 वैल्यू ऑफ सी इज के तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए विच इज माइनस 5 अपॉन 2 अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए विच इज के बाय 2 अब जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 24 अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस 5 बाई 2 का स्क्वायर अल्फा बीटा के बाय 2 इक्वल्स टू 24 माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस सो दिस इज 25 बाय 4 के बाय 2 इक्वल्स टू 24 ओके इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम इधर 2 हो जाएगा सो 25 माइनस 2k अपॉन 4 इक्वल्स टू 24 सो 25 माइनस 2k 24 4 जा 16 टू 8 96 ओके सो 25 माइनस 96 इक्वल्स टू 2k इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ओके 25 माइनस 96 करेंगे तो आएगा माइनस 71 सो के की वैल्यू आ गई 71 बाय 2 माइनस ओके नेक्स्ट सम सेम एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 22 अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल x square minus 6x plus a, find the value of a if 3 alpha plus 2 beta equals to 20. Okay, 3 alpha plus 2 beta that is equals to 20. हमें a की value find करनी है. Polynomial लिख लेते हैं फिर से बेटा. Polynomial है x square minus 6x plus a. तो इसमें small a, b, c की value लिखते हैं अगर हम, तो क्या आएगा? कैपिटल ए लिखता है क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी यूज किया है तो ये होगा 1 बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस 6 और सी कांस्टेंट है ए तो अब इसमें निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस तो 6 एंड अल्फा बीटा सी अपॉन ए दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल ए अपॉन 1 अब 3 अल्फा प्लस 2 बीटा दिया है ओके 3 अल्फा को कैन आई राइट डाउन अल्फा प्लस 2 अल्फा ऐसा लिख सकते हैं क्या किया मैंने 3 को 1 प्लस 2 लिख दिया अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी 3 अल्फा हो गया ना करेक्ट तो अब ये क्यों किया आप देखो इधर अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20 ओके यहां पे 2 कॉमन निकालते हैं अल्फा इक्वल्स टू सॉरी अल्फा प्लस इधर से 2 कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट में आएगा ओके सो अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा आया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है सो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 6 टू 12 उधर गया 20 माइनस 12 इज 8 अल्फा आ गया ओके ये आया अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या आई 8 अब इस इक्वेशन में रखते हैं हमें ऑलरेडी पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है 6 अगर अल्फा 8 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी
सिक्स माइनस एट यानी कि माइनस टू, बीटा भी आ गया। अब प्रोडक्ट यूज करते हैं इसका, क्यों प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इसमें ही आ रहा है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू ए है, अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई होगा तो किसकी वैल्यू आएगी, ए की, तो हमारे पास अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या है ए, सो एट इंटू माइनस टू दैट इज माइनस सिक्सटीन, वैल्यू ऑफ ए। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 23। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस, मतलब ये अल्फा और ये बीटा होगा। ओके दिस, तो सबसे पहले ना हमको चाहिए होता है सम, कोई भी पॉलिनोमियल फाइंड करना हो हमें क्या फाइंड करना है, फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वी नीड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, यहाँ पे क्या है जीरोस, टू अल्फा एंड टू बीटा, उसका सम। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब दोनों जीरोस का प्रोडक्ट। ओके सम क्या होगा, टू कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया टू टू जा फोर, अल्फा बीटा। ओके अब पॉलिनोमियल लिखते हैं, पॉलिनोमियल दिया हुआ है फोर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस वन, इसमें ए की वैल्यू है फोर, बी की वैल्यू भी फोर, सी की वैल्यू है वन। ओके सो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए माइनस फोर अपॉन फोर विच इज माइनस वन, अल्फा बीटा क्या होगा सी बाय ए दैट इज वन बाय फोर। ओके तो अब हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ गया, सम ऑफ जीरोस क्या था, टू अल्फा प्लस बीटा, टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस वन, तो ये आ गया सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फोर अल्फा बीटा, सो फोर अल्फा इंटू बीटा इज वन बाय फोर वन। ओके तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो तो इक्वेशन क्या आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे पास आ गया सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या आया माइनस टू एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया वन, तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस प्लस टू एक्स प्लस वन। ओके तो ऐसे सम्स बहुत आते हैं, अगर तुम्हें जीरोस दे रखा है तो ये इन दोनों जो भी जीरोस दिए हो, इसकी जगह थ्री अल्फा थ्री बीटा दिया होगा, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, तो तुम्हें करना क्या है, पहले दोनों का सम फाइंड करना है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, और ऐसे पॉलिनोमियल में बना के उसे हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू रख देनी है। ओके क्लियर एवरीबॉडी। इसी एक्सरसाइज का सम 27 एंड 28 मैंने ऑलरेडी आगे के वीडियोस में सॉल्व करके दिखा दिया है।